तुमने कभी अपने अंदर दो दिलों की धड़कनें सुनी हैं? कुछ अजीब सा लग रहा है यशोदा। काजल को भी बस चक्कर ही आते थे, बेचारी लड़की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सामंथा रुथ प्रभु की तेलुगु नई रिलीज फिल्म यशोदा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म यशोदा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की, तो फिल्म यशोदा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर बहुत ही बेहतरीन कमाई रही है। बात करें फिल्म यशोदा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की, तो फिल्म यशोदा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर 7.25 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा, जहाँ फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से 4.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है। इसी के साथ फिल्म यशोदा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 12.40 करोड़ का हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म यशोदा के डे वन कलेक्शंस की बात करें, तो फिल्म यशोदा ने अपने डे वन के अंदर वर्ल्ड वाइड 5.15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। दोस्तों फिल्म की बात करें तो सामंथा रुथ प्रभु की मच अवेटेड फिल्म यशोदा को 11 नवंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। फिल्म यशोदा ने रिलीज से पहले ही 55 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। वहीं फिल्म को दर्शकों के द्वारा काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि इस फिल्म में सामंथा दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही हैं। फिल्म की बात करें तो फिल्म में सामंथा के साथ उन्नी मुकुंदम, वर लक्ष्मी, शरद कुमार, मुरली शर्मा समेत कई कलाकार अहम किरदारों में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी सरोगेट माँ बनी यशोदा अनजाने में सरोगेसी रैकेट में शामिल हो जाती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ इम्प्रेसिव ज्यादा है, लेकिन दूसरा हाफ इमोशनल है। एक यूजर्स ने लिखा, सामंथा की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, फिल्म में ट्विस्ट और टर्न है, जबरदस्त फिल्म। वहीं दोस्तों फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म यशोदा को 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म को हिट होने के लिए वर्ल्ड वाइड 44 करोड़ के आंकड़े को छूना होगा। दोस्तों फिल्म यशोदा के ऊपर आपकी क्या राय है? आपने ये फिल्म देखी या ना देखी? अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म ब्लैक पैंथर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म ब्लैक पैंथर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की, तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर इंडिया बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बेहतरीन कमाई रही है। बात करें फिल्म के डे 2 कलेक्शंस की, तो फिल्म ने अपने डे 2 के अंदर 13.5 करोड़ का नेट एस्टीमेट कलेक्शंस किया है। इसी के साथ फिल्म ब्लैक पैंथर 2 का अभी तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 26 करोड़ का हो चुका है। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर एक बहुत ही पावरफुल किरदार है, जिसे पहली फिल्म में चैडविक बोसमैन ने बहुत शानदार तरीके से निभाया था। लेकिन 2020 में बोसमैन के निधन के बाद फैंस ये देखने के लिए बेचैन थे कि ब्लैक पैंथर 2 में मेकर्स कहानी को कैसे आगे ले जाते हैं। तो सुकून की बात यह है कि फिल्म बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ी है। 28 अगस्त 2022 को चैडविक बोसमैन का निधन हो गया था। चैडविक लंबे समय से कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। अचानक सुबह खबर आई, चैडविक नहीं रहे। फिल्म ब्लैक पैंथर 2 टीचाला और चैडविक की खाली जगह को भरने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उन्हें एक ईमानदार श्रद्धांजलि देती है। विदेशी मीडिया में फिल्म को लेकर लिखा गया कि फिल्म मार्वल की सबसे इमोशनल फिल्म है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म ब्लैक पैंथर 2 को $250 मिलियन के बजट में तैयार किया गया है, यानी फिल्म को 2019 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों फिल्म ब्लैक पैंथर ने अपने डे 1 के अंदर 12.5 करोड़ का 18 इंडियन रुपीस कलेक्शंस किया था। फिल्म ब्लैक पैंथर के ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, डैनी, रणनीति चोपड़ा, नीना गुप्ता एंड सरिका के फिल्म ऊंचाई के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की, तो फिल्म ऊंचाई का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर 3.60 करोड़ का नेट एस्टीमेट कलेक्शन रहा है। इसी के साथ फिल्म ऊंचाई का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 5.41 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। दोस्तों राजश्री प्रोडक्शन हमेशा पारिवारिक फिल्म बनाता आया है। इस बार उन्होंने चार दोस्त पर आधारित फिल्म ऊंचाई बनाई है, जो अपनी दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला लेते हैं। मुसीबत आने पर परिवार के सदस्य एक बार साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता है। ऊंचाई ऐसे ही चार दोस्तों की इमोशन जर्नी है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है और बताती है कि कोई भी काम कल मत छोड़ो, क्योंकि जीवन में कल कभी नहीं आता। फिल्म की कहानी है चार दोस्त की, जो एवरेस्ट बेस कैंप पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त इस दुनिया को अलविदा कह देता है। फिर बाकी तीन दोस्त उसके सपने को पूरा करने में लग जाते हैं।
लेकिन यहाँ सारे दोस्त बुजुर्ग हैं। लेकिन जिंदगी में अगर कुछ करने का जज्बा होता है तो उम्र कोई मायने नहीं रखता। क्या वे एवरेस्ट को चढ़ पाते हैं या नहीं, आगे की कहानी के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म ऊंचाई के बजट की बात करें तो फिल्म ऊंचाई को ओवरऑल 35 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म को हिट होने के लिए थिएटिकल 45 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। फिल्म ऊंचाई के ऊपर आपकी क्या राय है, आपने फिल्म देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेखा झुका हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक करिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के गलियारों से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए मेरी इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।